हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके जितने मतलब लोग कनेक्टेड है डायरेक्ट सेलिंग के साथ, बहुत जबरदस्त स्कोप है इन फ्यूचर। यही एक बिजनेस है जहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि बी जॉब क्रिएटर्स नॉट जॉब सीकर्स। हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा हम नहीं समझते हैं हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग एक वाकई में एक विकल्प होकर निकलेगा। 2022-23-24 के बाद की डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है जो 1996 में हिंदुस्तान में आई, और बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारी नई डेवलपमेंट हो रही है। सबसे ज्यादा मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वर्ल्ड का सबसे रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है सेलिंग की दुनिया में, जिसका सबसे बड़ा अंग और पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने इंप्रूव किया है, 99.9% बच्चे तक कहते हैं सब हम नौकरी करना चाहते हैं असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो तो आपको बस एक काम करना है, वो काम है इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैंने अपने मोबाइल में गूगल ओपन किया और टाइप किया 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस, और जैसे ही मैंने सर्च किया तो बिल्कुल हैरान हो गया। इसे आप भी सुनिए। 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर भारत सरकार के संगठन फिक्की और KPMG के अनुसार सन 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर लगभग 625 बिलियन यानी कि 62,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, आखिर क्यों डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की क्रांति माना गया है? आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी या भूख नहीं है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ है। हिंदुस्तान में हर साल 35 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी लेने के लिए मार्केट में आते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 35 लाख बच्चे को नौकरियां दे सके। हिंदुस्तान में लोग काम करने के लिए तैयार तो है, लेकिन उनके पास काम ही नहीं है। दोस्तों, पहले हम बेरोजगारी पर बात करते हैं, फिर उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। आम तौर पर देखा जाए तो बेरोजगारी के मुख्य चार कारण है, जिसमें से पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में रोजगार देने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज हिंदुस्तान में एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक साल में मुश्किल से 2 से 3 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाती है, और इस तरीके से हर साल देश में नए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की दूसरी बड़ी कारण है बदलती हुई टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, और इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी में कोई काम करना नहीं चाह रहा है। सबको ऑटोमेटिक काम करने वाला एक रोबोट चाहिए। सब चाहते हैं कि उसके फैक्ट्री में 10 मजदूर है तो उस 10 मजदूर को सैलरी देने से बेटर है एक या दो मशीन लेकर उन 10 लोगों की सैलरी को कम किया जाए। उनको हर एक काम जल्दी और आसानी से चाहिए। इसलिए याद रखना साथियों, कुछ समय बाद मशीन हम इंसानों के लिए बेरोजगारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले बैंक में पैसे निकालने के लिए या पासबुक प्रिंट करवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे पैसा डिपॉजिट करने के लिए या पैसा विड्रॉ करने के लिए मशीन आ गया है। वहाँ पर किसी को खड़े रहने की जरूरत नहीं है, और ना ही उस मशीन को सैलरी देने की जरूरत है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक एक मशीन के द्वारा हो रहा है। जिस कंपनी में असेंबली लाइन में हजारों लोग काम करते थे, उसी असेंबली लाइन में हजारों लोगों का काम सिर्फ कुछ रोबोट कर रहे हैं, जिससे काफी लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, मशीन और रोबोट का
कई फायदे भी है। ये फास्ट प्रोडक्शन करता है। मशीन और रोबोट को हॉलीडे नहीं चाहिए, उसको सैलरी भी नहीं चाहिए। और दोस्तों, आदमी गलती कर सकता है, लेकिन एक मशीन कभी गलती नहीं कर सकती है। इसी फायदे के चक्कर में हमने कई बड़ी समस्या उत्पन्न कर लिया है, जो आप आने वाले भविष्य में देखने वाले हैं। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ी कारण है बेरोजगारी बढ़ने की, वो है शिक्षा की कमी। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वह शिक्षा भी आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुरानी होती जा रही है। आज के हिसाब से हमें नई टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर स्किल्स सीखना पड़ेगा, मैनेजमेंट स्किल्स सीखना पड़ेगा, लीडरशिप सीखना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब हम नहीं सीखेंगे तो ये बात क्लियर है कि रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब सीखना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी के चौथी और सबसे बड़ी समस्या है कंपनी पर चढ़ता हुआ बोझ। जी हाँ दोस्तों, आज कंपनी का बिजली का बिल बढ़ रहा है, लेबर के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जीएसटी ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण ऑलरेडी हजारों कंपनियां पर ताला लग चुका है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हो, 5 साल में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3.64 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया का 8वां अजूबा बिजनेस आया है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जो 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति साबित होने जा रही है। इसके जरिए काफी सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने भी प्रोटेक्ट कर दिया है, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को अपना लिया है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, सभी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को आगे लाते हैं, और एक दूसरे को मदद करने में ही उनका खुद का फायदा है और लोगों का भी फायदा है। साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पर आपको लाखों रुपया इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आज कोई भी लोग जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो, वो इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर आप हिंदुस्तान में है तो एक सच्चाई जान ले, अगर आपकी इनकम 15,000 या 20,000 है तो आप कभी भी अपना घर अच्छे तरीके से नहीं चला सकते हैं, और आपका सपना भी सपना ही रह जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने वाले 5 साल तक लगन से काम किया तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आपको वो देगा जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। यहाँ आप अपना लाइफ तो सिक्योर करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी बच्चे की लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी। दोस्तों, आप इतना देखकर तो समझ ही गए होंगे कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की क्रांति माना गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो को आप अपने तक ही मत रखिए, आप इस वीडियो को सभी व्यक्ति के पास शेयर कर दीजिए, ताकि डायरेक्ट सेलिंग की क्रांति के बारे में उन्हें भी पता चल सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।